Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine and safe. Myself Adrish Kathar and I'm your maths teacher standard 4. Okay? Today we are going for the video of the week. Okay? जो भी हमने इस वीक में किया है हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे. ओके सो लेट स्टार्ट एवरीवन. ओके सो लेट स्टार्ट विद द सब्ट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग एंड विथ रीग्रुपिंग. आई नो यू ऑल हैव अ गुड रिमेंबर कैपेसिटी. सो आप सभी को पता होगा व्हाट इज़ द एडिशन विथ रीग्रुपिंग एंड व्हाट इज़ द विदाउट रीग्रुपिंग. ओके एडिशन के अंदर हमने देखा था कि एडिशन विथ रीग्रुपिंग का मतलब होता है with carry forward numbers and without carry forward numbers, right? So subtraction के अंदर subtraction with regrouping and subtraction without regrouping क्या होता है. So let's see. So जैसे addition के अंदर हमें carry forward मिलती थी उसकी जगह पे यहाँ पे होगा borrowing. अगर addition without regrouping है तो without borrowing होगा. अगर subtraction with regrouping है मतलब कि with बोरोइंग होगा. डिफरेंस यहाँ पे क्या है, वहाँ पर कैरी फॉरवर्ड था, यहाँ पे बोरोइंग होगा. ओके चलो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका. ओके तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक एग्जांपल 69,800 देन आफ्टर 46,400. ओके सो जब भी आप यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करोगे आपको कोई भी नंबर को बोरो करना नहीं पड़ेगा. यू डोंट हैव टू टेक अ बोरो ऑन दिस नंबर्स. ओके उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे जो नंबर्स हैं उसे हम एग्जैक्टली कहते क्या हैं. जैसे कि हमारा ये नंबर है तो जो नंबर सब्ट्रैक्ट होने वाला है छोटे नंबर से उसे हम कहते हैं मिनी एंड्स. उसे कहते हैं हम मिनी एंड्स. जो नंबर उसके साथ सब्ट्रैक्ट होने वाला है, जो नंबर हमारा स्मॉलर होता है, इट्स कॉल्ड सब्ट्रैक्शन. और जो हमें आंसर मिलेगा इट्स कॉल्ड डिफरेंस. वंस अगेन आई रिपीट, मिनी एंड्स, सब्ट्रैक्शन एंड डिफरेंस. जो हमें आंसर मिलता है इट्स कॉल्ड डिफरेंस. एंड वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम द लार्जर नंबर. ओके ये आपको याद रखना है, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द लार्जर नंबर. मतलब कि सबसे बड़ा नंबर होगा उसी में से छोटे नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे. कभी भी छोटे नंबर में से ग्रेटर नंबर को हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे. क्लियर टू एवरीवन? ओके चलो मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आपको ये किस तरह से दिमाग में रखना है. ओके फॉर एग्जाम्पल 69 है, राइट ये है एक 69 नंबर और यहाँ पर मैं रख रहा हूँ 83. अभी सब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? नो, बिकॉज ये जो नंबर है वो इससे स्मॉलर है. ये जो नंबर है वो हमारा ये जो सब्ट्रैक्शन है उससे स्मॉलर है. दैट्स व्हाई वी कांट डू दिस. इसलिए हम इसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. या बट इट्स 83 माइनस 69 सो वी कैन सब्ट्रैक्ट दिस नंबर्स. हम ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बट कभी भी स्मॉलर नंबर में से ग्रेटर नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. ओके इज दैट अ रूल? क्लियर? चलो इसे हम सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं. 3 माइनस 9, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट द 3 माइनस 9. वी हैव टू बोरो फ्रॉम द नेबर. सो 8 विल बी द 7 एंड गिव इट टू 1 3. Now 13 minus 9. So 13 minus 9, there is a 4. So यहाँ पे 4. Then after 7 minus 6, there is a 1. Okay, so answer is 14. The difference is 14. तो आप लोग मुझे बताओ कि ये जो हमारा सम है वो सब्ट्रैक्शन विथ रीग्रुपिंग है या सब्ट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग. चलो मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देता हूँ, वीडियो को पॉज करो और मुझे आंसर बताओ. ओके आई होप आप सभी ने आंसर करेक्ट दिया होगा. तो ये जो हमारा सम है वो सब्ट्रैक्शन विथ रीग्रुपिंग है. जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम बोरो करेंगे तो वो नंबर हमारा होगा सब्ट्रैक्शन विथ रीग्रुपिंग.
ओके, सो यहाँ तक सभी को क्लियर है? वंस अगेन आई रिपीट, ये हमारा मिनियंस, सब्ट्राहैंड एंड हमारा डिफरेंस. ओके, नाउ वन मोर थिंग अबाउट हियर, हमने ये 14 आंसर लिया हुआ है, राइट? तो ये 14 जो हमें आंसर मिला है वो क्या करेक्ट है? तो आप उसे चेक भी कर सकते हो अपने हिसाब से. ओके, तो कैसे चेक करेंगे? तो हम ये दोनों नंबर्स का एडिशन करेंगे, 69 प्लस 14. जब हम इसका एडिशन करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा हमारा मिनियंस. सब्ट्राहैंड एंड डिफरेंस को आप ऐड करोगे सो यू विल गेट द मिनियंस. तो अगर आपका मिनियंस वो सेम टू सेम रहेगा तो आपका सब्ट्रैक्शन राइट है. चलो हम यहाँ पे कर लेते हैं, 6 प्लस 4 13, सो देर इज़ अ 3 एंड 1, कैरी फॉरवर्ड. 1 प्लस 6 7 एंड 7 प्लस 1 8, सो आंसर इज सेम. यस, दोनों आंसर हमारे सेम है, इट मीन्स वी आर गोइंग करेक्ट वे. ओके, देन आफ्टर हमने यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे. देन आफ्टर एक्सरसाइज 2.6, तो मैं यहाँ पर आपको आंसर्स भी दिखा देता हूँ कि जो आपने आंसर्स लिखे हैं उसको आप यहाँ पर मैच कर सकते हो कि आपके जो आंसर्स है वो करेक्ट है या नहीं है. ओके, यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक द आंसर्स. आफ्टर दिस सब्ट्रैक्शन विथ रीग्रुपिंग, अभी तक आप जो देख रहे थे बुक के अंदर वो था सब्ट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग, मतलब कि विदाउट बोरोइंग. अब यहाँ पर है सब्ट्रैक्शन विथ रीग्रुपिंग, मतलब यहाँ पर आपको हर एक सम के अंदर बोरोइंग देखने को मिलेगा. वंस अगेन आई रिपीट, इट्स अ मिनियंस, जो हमारा ग्रेटर नंबर है वो हमारा मिनियंस होता है. देन आफ्टर उससे जो स्मॉलर नंबर होता है जिसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इट्स अ सब्ट्राहैंड एंड द डिफरेंस. ओके, तो यहाँ पर भी हम वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 एंड लैक्स, यहाँ पर हमारी प्लेस वैल्यूज़ को लिखेंगे, विच वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें यहाँ पर प्लेस वैल्यू पता होगी तो हमें सब्ट्रैक्शन करना ईजी रहेगा. ओके, सो यहाँ पर हमने बार मॉडल भी ड्रॉ किया हुआ है, जो नंबर हमारा ग्रेटर है उसे हमने पहले यहाँ पर बार मॉडल में ड्रॉ किया है, आफ्टर दैट हमने स्मॉलर नंबर को यहाँ पर लिखा हुआ है. तो जो रिमेन नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है. रिमेन नंबर मीन्स द डिफरेंस. ओके, ओके, नाउ देयर इज सम फैक्ट्स अबाउट द सब्ट्रैक्शन. जिस तरह से एडिशन के अंदर भी फैक्ट्स थे तो यहाँ पर भी कुछ सब्ट्रैक्शन के फैक्ट्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है. ओके, जस्ट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन हैज सम फैक्ट्स टू. सो फर्स्ट फैक्ट इज सब्ट्रैक्टिंग जीरो फ्रॉम अ नंबर. तो सिंपल लैंग्वेज में आपसे कहूँ तो जीरो में से आप कोई भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे आपको आंसर मिलेगा नंबर इटसेल्फ, सेम लाइक एडिशन. एडिशन के अंदर जिस तरह से हम लोग करते थे कि जीरो में किसी भी नंबर को ऐड करते थे तो हमें आंसर मिलता था नंबर इटसेल्फ. सो सेम थिंग इज हियर, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट जीरो फ्रॉम द एनी नंबर यू विल गेट द नंबर इटसेल्फ. ओके, आफ्टर दिस सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम द नंबर, सेम लाइक एडिशन, बट यहाँ पर आपको प्रीडिसेसर देखने को मिलेगा, नॉट अ सक्सेसर. ओके, आपको यहाँ पर प्रीडिसेसर देखने को मिलेगा. जब भी आप कोई भी नंबर के अंदर माइनस वन करोगे यू विल गेट द प्रीडिसेसर ऑफ द नंबर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 444-1=443, इट्स अ प्रीडिसेसर नंबर ऑफ द 444. ओके, आफ्टर दैट देर इज़ द नेक्स्ट वन, सब्ट्रैक्शन अ नंबर फ्रॉम इट्सेल्फ. जब सेम नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर ज़ीरो देखने को मिलेगा. जब भी आप सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे जो दो नंबर आपके हैं वो दोनों सेम टू सेम होने चाहिए, जैसे कि 1-1, 2-2, 5-5, नंबर कोई भी ग्रेटर हो सकता है, जैसे कि 555-555, 444-444, सो आंसर इज ज़ीरो. ओके, सो इट्स अ फैक्ट्स अबाउट टू सब्ट्रैक्शंस, नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो अगर दोनों सेम है तो आंसर हमारा ज़ीरो होगा. आफ्टर दैट देर इज अ सब्ट्रैक्टिंग टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, इट मींस जिस तरह से हमने एडिशन के अंदर टेंस,
हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स को हमने ऐड किया था, तो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे आपको डिक्रीज नंबर मिलेगा, डिक्रीज द नंबर, जैसे कि आप देख सकते हो 8888 माइनस 10, तो 10 जो है वो टेंस की पोजीशन पे है, 1। तो यहाँ पर जो टेंस की पोजीशन पे होगा उससे ये नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपको जो 8 है वो बन जाएगा 7। सेम थिंग इज हियर 1000 के अंदर भी, तो ये जो 1000 की पोजीशन पे नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू 1000 है, तो यहाँ पर जिसकी प्लेस वैल्यू 1000 होगी उससे आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो आंसर इज 87888 87888। एंड उसी के रिगार्डिंग हमने यहाँ पर ब्लैंक्स की थी, आई होप आप सबने ये डन कर ली होगी, ओके। और ये उसके आंसर से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ओके। आफ्टर दैट लेट्स सी द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी सिंप्लीफाइंग अ प्रॉब्लम। अगर यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो थोड़ा हमें सोचने पे मजबूर करती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वॉट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 320,000 सो द डिफरेंस इज 1,16,000, ओके। इट मीन्स ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये नंबर डिफरेंस में देखने को मिलेगा, ओके। सो लेट्स डू इन द रफ बुक। तो यहाँ पर जो हमें मेन नंबर दिया हुआ है वो है 320,000, हमें एक नंबर दिया हुआ है, ओके, ये हमारा नंबर है। और हमें यहाँ पर दूसरा नंबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है डिफरेंस, हमें यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है कि डिफरेंस यहाँ पर आपको मिलने वाला है 1,16,000, ओके। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है सब्ट्राहैंड, हमें फाइंड आउट करना है सब्ट्राहैंड, बिकॉज यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है और हमें मिनियंस दिया हुआ है। तो आप, आई होप आप सभी को पता होगा कि हमने मिसिंग नंबर के अंदर किया था सब्ट्रैक्शन ऑफ मिसिंग नंबर, तो वहाँ पे क्या था कि जब भी आपको सब्ट्राहैंड फाइंड आउट करना होता था आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मिनियंस एंड डिफरेंस, मिनियंस एंड डिफरेंस का आपको करना होता है सब्ट्रैक्शन, तब आपको मिलेगा आपका सब्ट्राहैंड, ओके। तो यहाँ पर भी हम सेम स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, पहले तो ये जो जीरोज है वो एज इट इज, बिकॉज ऑफ जब भी हम सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे हमें ज़ीरो मिलेगा, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, राइट। नाउ 0 माइनस 6, तो आप सभी को पता होगा कि छोटे नंबर में से बड़े नंबर को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो हमें क्या करना है, बोरो फ्रॉम द नेबर। सो जहाँ पर 2 है वो हो जाएगा 1 एंड 1 देगा वो 0 को, अब जो 0 है वो बन चुका है 10। नाउ 10 माइनस 6, ये जो 10 है 10 माइनस 6, सो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। नाउ 1 माइनस 1 दैट इज अ 0, 3 माइनस 1 दैट इज अ 2। सो यहाँ पे हमें आंसर मिल चुका है 2,04,000, 2,04,000, तो ये हमारा आंसर है। हमारा क्वेश्चन क्या था आप यहाँ पर देख सकते हो, वॉट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 3,20,000, तो ये हमारा 3,20,000 एंड द डिफरेंस इज 1,16,000, तो हमारा डिफरेंस क्या था ये, तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमारा सब्ट्राहैंड, ये हमारा मिनियंस है, ये हमारा सब्ट्राहैंड है और ये हमारा डिफरेंस है, राइट। सो इस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी कोई भी मिसिंग नंबर पूछा जाए तो आप इसी तरह से कर सकते हो, कभी आपको डिफरेंस पूछा जाएगा, कभी आपको मिनियंस पूछा जाएगा, कभी आपको सब्ट्राहैंड भी पूछा जा सकता है, ओके। सो इट्स वेरी इजी एंड वेरी क्विक। आफ्टर दैट लेट्स सी द एस्टिमेटिंग द डिफरेंस। तो जो रूल होते हैं एस्टिमेशन के वो एडिशन में भी सेम रहेंगे और सब्ट्रैक्शन में भी सेम ही रहेंगे, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा, ओके। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के अंदर भी सेम रूल होगा और एडिशन के अंदर भी सेम रूल होगा, आप यहाँ पर भी देख सकते हो टेक्स्ट बुक के अंदर भी वो लिखा हुआ है, ओके। तो चलो हम यहाँ पर कुछ सम देख लेते हैं। पहले तो 1000 नंबर, नियरेस्ट 1000 नंबर, ओके, मुझे फाइंड आउट करना है नियरेस्ट 1000 नंबर, तो मैं यहाँ पर एक कोई भी नंबर लिख लेता हूँ, ओके। 4 लैक्स
23,321। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, नियरेस्ट थाउजेंड नंबर, मुझे फाइंड आउट करना है नियरेस्ट थाउजेंड नंबर, नॉट अ 10,000। आप इंस्ट्रक्शन को पहले पढ़ना, कभी भी आप सम करना स्टार्ट करो, पहले आपको रीड करना है इंस्ट्रक्शन। ओके, सो ये वंस है, टेंस ये हंड्रेड, देन आफ्टर थाउजेंड, 10,000 एंड लैक्स। तो हमें फाइंड आउट करना है थाउजेंड नंबर। ओके, सो आप सभी को पता होगा कि हमारा जो रूल है, जो नंबर हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं नियरेस्ट नंबर, उसके जो राइट हैंड साइड में नंबर है वो सारे ज़ीरो होने वाले होते हैं, राइट। बट वो ज़ीरो हम लास्ट में करते हैं, बिकॉज हमें उसके बाजू वाले नंबर को चेक करना होता है कि वो नंबर 0 to 4 में है या 5 to 9 में है। ओके, सो जो थाउजेंड वाला नंबर है उसके बाजू में एक नंबर है 3, तो वो 0 to 4 में है। इट मीन्स वी डोंट हैव टू चेंज इन अ थाउजेंड नंबर, और उसके जो आगे वाले नंबर है वो तो एज इट इज़ ही रहेंगे, बिकॉज उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना। सो 4 एज इट इज़, 2 ऑल्सो एज इट इज़, एंड 3 इज़ ऑल्सो एज इट इज़, बिकॉज ऑफ ये 3 है। अगर ये 5 या तो 5 से अबोव होता तो हम 3 को 4 कर देते, बट यहाँ पर हमें 3 एज इट इज़ रखना है, और आगे के नंबर हमारे 0। सो हमें आंसर मिला है 4,23,000। समझ में आ रहा है? चलो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ओके, 5,639। तो यहाँ पे थाउजेंड वाला नंबर है 5, ये हमारा थाउजेंड वाला नंबर है। अब हमें क्या करना है, उसके बाजू में जो नंबर है उसे जस्ट चेक करना है कि वो 0 to 4 में है या 5 to 9 में है। ऑफ कोर्स ये 5 to 9 के अंदर है, इट मींस वी हैव टू चेंज द नंबर ऑफ थाउजेंड। तो जो 5 है वो हो जाएगा प्लस 1 मींस 6, एंड अदर नंबर विल बी द जीरोस। सो हमें यहाँ पे आंसर मिल चुका है 6,000। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स सी द 10,000। ओके, तो यहाँ पर भी सेम रूल है, बट नंबर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, 1,000 की जगह पे 10,000 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हम एक और नंबर देख लेते हैं, 5,33,215। अब 10,000 वाला नंबर कौन सा है, तो ये वाला। पता कैसे चलेगा, आप प्लेसेस को काउंट कर सकते हो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड 10,000। तो 10,000 के जो बाजू में नंबर है हमें उसे चेक करना है, तो वो तो 3 है, इट मीन्स ये 3 में कोई चेंजेस नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, एंड अदर नंबर विल बी द 0। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो नंबर हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं उसके आगे वाले नंबर मीन्स राइट हैंड साइड वाले नंबर सारे 0 हो जाएंगे। क्लियर? एक और एग्जांपल हम देखते हैं, 6,99,421। अब हमें करना क्या है, पहले तो हमें 10,000 वाला नंबर देखना है, तो ये जो 9 है वो हमारा 10,000 वाला नंबर है, तो उसके बाजू में क्या है, उसके बाजू में भी 9 है, इट मीन्स वी हैव टू चेंज द नंबर ऑफ 9, तो 9 हो जाएगा 10, बट एक साथ हम दो नंबर्स को नहीं लिख सकते, तो वो नंबर आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 6 जो है अब वो 7 होगा, 6 जो है वो अब 7 हो जाएगा, एंड ये नंबर हमारा 0, एंड अदर नंबर विल बी द ऑल्सो 0s। ओके, सो आंसर इज 7 lakhs। आई अगेन रिपीट दिस वन, यहाँ पर 9 है और उसके बाजू में भी 9 है, इट मीन्स 9 को हमें 10 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने 10 तो कर दिया, तो ये 10 में से 0 यहाँ पे रह चुका है और 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो चुका है, जैसे कि हम एडिशन में करते हैं ना, तो ये नंबर कैरी फॉरवर्ड हो गया और ये 7 हो चुका है, और ये तो 0 था। एंड हमारा रूल है कि जो हम नंबर फाइंड आउट कर रहे होते हैं उसके आगे वाले नंबर सारे 0 हो जाते हैं, सो आंसर इज 7 lakh। वन मोर एग्जांपल इज हियर, 7,25,331। 10,000 वाला नंबर कौन सा है, 2, और अब हमें क्या करना है, उसके बाजू वाले नंबर को जस्ट चेक करना है कि वो 0 to 4 में है या 5 to 9 में है,
ऑफ कोर्स ये नंबर 5 to 9 में है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है उसे चेंज करके 3 कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 7 एज इट इज़। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो आपने 6 को 7 किया था, बिकॉज यहाँ पर 9 था और यहाँ पर 2 है, ओके तो हमें 2 को सिर्फ 3 करना है। सो 2 विल बी द 3 एंड अदर नंबर विल बी द 0। सो आंसर इज 7,30,000। सो ये हमारा आंसर है। सो आई होप आप सभी को ये कम्प्लीटली पता चल गया होगा। आफ्टर दैट हमने देखा था कि एक्सरसाइज 2.10, तो जैसे हमने एडिशन के अंदर किया था वो सेम चीज़ यहाँ पर भी करनी है, बट चेंज क्या है कि यहाँ पर होगा सब्ट्रैक्शन। जहाँ पर हमने एडिशन किया था उसकी जगह पे सब्ट्रैक्शन होगा, और यहाँ पे उसके सारे आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम थिंग, जैसे हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किए थे और हमने एरोस को दिखाया था कि जो 1 lakh से अबोव है और 1 lakh से लेस है, तो लेस होगा तो हम इस तरफ एरो करेंगे, ग्रेटर होगा तो हम इस तरफ एरो करेंगे, ओके। इन दोनों काम में एस्टिमेट सब्ट्रैक्शंस करना होता है नियरेस्ट 10,000, ओके। इन दोनों का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, अगर वो नंबर 1 lakh से लेस है तो यहाँ पे एरो करेंगे, अगर ग्रेटर होगा तो इस तरफ करेंगे, ओके। देन आफ्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू द मॉडल मेथड, हमें यहाँ पर मॉडल मेथड के थ्रू सब्ट्रैक्शंस करने हैं। तो जैसे हमने लास्ट टाइम एडिशन वाले वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे, सेम चीज़ यहाँ पर होगी, बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पर सब्ट्रैक्शंस होंगे और आपको ये चेक करना है प्रॉपरली, बिकॉज एग्ज़ाम के अंदर आपको डिवीज़न नहीं दिए गए होंगे अलग अलग कि ये एडिशन के अलग से है सब्ट्रैक्शन के अलग है, आपको दोनों साथ में दिए गए होंगे और आपको चेक करना होगा। तो चेक कैसे करोगे, यहाँ पर कुछ ऐसे सम होंगे जहाँ पर आपको लिखा होगा कि हाउ डिड ही गेट बैक, देन आफ्टर लेफ्ट, रिमेनिंग, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको इंडिकेट करते हैं कि ये सब्ट्रैक्शंस होंगे। एडिशन के अंदर क्या सब्ट्रैक्ट करता है कि सम, टोटल, ऑल टुगेदर्स, तो ये जो सारे हमारे इंडिकेशन है वो एडिशन के हैं। चलो हम यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें लास्ट में लिखा हुआ है फाइंड द सेल ऑफ द सेकेंड मंथ, तो यहाँ पर 2 months दिए गए होंगे और एक को हमें फाइंड आउट करना होगा, तो यहाँ पर भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। देन आफ्टर आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे समय जहाँ पर लेफ्ट लिखा होगा, देखो यहाँ पर लेफ्ट लिखा हुआ है कि हाउ मैनी पीपल्स वेयर लेफ्ट लेफ्ट, देन आफ्टर यहाँ पर बहुत ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको सब्ट्रैक्शन है वो इंडिकेट करेंगे, ओके। देन आफ्टर यहाँ पर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे थे, यू कैन चेक दिस। ओके एंड यहाँ पर सारे आंसर्स भी आप एक बार देख सकते हो, एंड द देर इज अगेन वर्ड प्रॉब्लम। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट इन अकाउंट, तो लेफ्ट का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्शंस करने होंगे। आपको पूरा क्वेश्चन तो रीड करना है, बट मैं जस्ट आपको हाईलाइट दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पर इंडिकेट कैसे करना है कि ये सब्ट्रैक्शन हो सकता है, ओके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। Thank you very much, everyone.